मैं संजय चौधरी। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। इससे पहले मैंने एक आपको स्टेंसिल प्रिंटर के बारे में बताया था कि किस तरीके से हम डॉट मैटिस प्रिंटर से एक टैटू का स्टेंसिल का प्रिंट निकाल सकते हैं। ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये प्रिंटर जल्दी मिल नहीं रहा है, कहाँ से लाए, कैसे लाए। मैंने कमेंट्स में सब जगह बताया कि ये ज़्यादातर जो है कंप्यूटर हार्डवेयर के पास मिल जाता है, लेकिन फिर भी कई जगह अवेलेबल ना होने की वजह से कईयों को बहुत परेशानी हो रही है, नहीं मिल रहा है। मैटिस के लिए एक अल्टरनेट प्रिंटर में के आज डेमो लेके आया हूँ। आज मैं एक नया प्रिंटर लेके आया हूँ जिसमें आप इजी कोई भी स्टेंसिल प्रिंट कर सकेंगे। तो मैं आपको आज डेमो दे रहा हूँ। ये है वो प्रिंटर, आज की हम अनबॉक्सिंग करते हैं पहले और फिर देखते हैं इसमें क्या क्या निकल रहा है और कैसे कैसा इसको यूज करना है। मैं इसको डेमो करके दिखाऊंगा आपको। आज पहले इसको खोलते हैं। ये इसके अंदर सामान है, ये इसकी पावर केबल, इसका यूजर मैनू और ये थोड़े स्टेंसिल पेपर्स है और कुछ देख लेते हैं इसके अंदर है कि नहीं। और एक ये प्रिंटर है जो इन्होंने शायद सैंपल दे रखा है हमें कि इन्होंने चेक किया होगा भेजने से पहले, इन्होंने एक डेमो चेक किया होगा ये कैसा प्रिंट निकालता है, ये ओके है कि नहीं प्रिंटर। इसको हम साइड कर देते हैं फिलहाल, अभी इसकी जरूरत नहीं है। निकाल के देखते हैं प्रिंटर कैसा है। ये अमेजन का बिल है जो परचेजिंग बिल है। पैकिंग इसकी खुली हुई है तो शायद इन्होंने टेस्ट करके भेजा तो खोल के देखा होगा इन्होंने। देखिए अभी हमारा प्रिंटर, इसमें सारे मेनूज हैं, कॉपी का है, पावर का है और ये मिरर फोटो और एक डीपनेस का है कि डीपनेस 1 डीपनेस 2 किस तरह का यूज करना है। और मैंने अभी तो पहली बार खोला तो मैं भी अभी यूज नहीं किया, मैंने इसको देखूं कैसे यूज करना है, तो मैं आपको डेमो दे रहा हूं। आपको जैसे ऑन किया इसमें एक बीप की साउंड आई है, लेकिन यहाँ पावर लाइट नहीं जली है, शायद हमें इसको ऑन करना पड़ेगा। नहीं जल रही है और रोशनी की वजह से दिख नहीं रहा है, पावर लाइट जल गई है इसकी। अब हमें इसे टेस्ट करना है। मैंने पहले से प्रिंट निकाल के रखा हुआ है, इसमें सारे फॉर्मेट्स हैं, लाइनिंग का, हल्की शेडिंग का, रियलिस्टिक का और पोर्ट्रेट का। तो आज इसका प्रिंट निकाल के देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है इसका। इसके लिए हमारे जो साथ में थर्मल प्रिंटर का जो कॉपियर का पेपर आया है, इसमें से एक पीस निकाल लेते हैं फिलहाल के लिए। ये जो पेपर्स जो है 10 पेपर्स हैं, ये प्रिंटर के साथ फ्री आए हैं। प्रिंटर कहाँ से मिलेगा मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अभी इसमें जो है ये पेपर है और इसको हमें प्रिंट करना है। तो ये वाला जो है हमें एक्स्ट्रा निकाल देना है और जो येलो पेपर है इसको भी हमें निकाल देना है, इसका यूज नहीं है। और इसमें यहां साइड में होल्ड करने के लिए बटन है ताकि इसको हम खोल सके, इसको हम उठाएंगे तो ये उठ जाएगा तरीके से, ये उठ जाएगा। और इसका ब्लू वाला प्रिंट जो है नीचे की साइड रहेगा और इसको हमें यहां से साइड से पीछे से बैक साइड से इसको इंसर्ट करना है इसके अंदर। इंसर्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको सेट कर लेना है, थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए और बाकी इस पर हम इसे दोबारा से ये ध्यान रखेंगे पेपर जो है हल्का सा बाहर होना चाहिए इसका। इसको हम फिर पंच कर लेते हैं।
और ये जो प्रिंटिंग वाली साइड है ये इसके अंदर जाएगी, यहाँ पे उल्टी साइड से जानी है। ये इसको अंदर हम लगाएंगे, जैसे हमने इसको लगाया इसको इसने पकड़ लिया। अब इसे हमें स्टार्ट कॉपी करना है और ये कॉपी स्टार्ट हो गई। देखिए अपना बाहर आ रहा है ये और एक पंचिंग की साउंड आ रही है इसमें से। अभी मैं भी पहली बार यूज कर रहा था, मुझे पता नहीं इसका क्या रिजल्ट आएगा, फिर भी देखते हैं। देखिए प्रिंट हो चुका है, अब इसका रिजल्ट देखते हैं। देखिए मेरे हिसाब से लाइनिंग के लिए बहुत बेटर मशीन है ये, क्योंकि लाइनें बिल्कुल क्रिस्पी आई हुई है इस पर, बिल्कुल बहुत ही क्लियर लाइन है। लेकिन आप अगर 3D टैटू को देखें और अगर पोर्ट्रेट का देखें तो स्टेंसिल जो है वो अगर आप डायरेक्ट प्रिंट निकालते हैं तो उसका प्रिंट जो है क्लियर नहीं आएगा, क्योंकि ब्लैक आ जाता है, वो शेडिंग पार्ट नहीं आता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे शेडिंग है, इसमें शेडिंग नहीं दिख रहा है कहीं भी, डार्क लाइंस दिख रही है या फिर वो शेडिंग एरिया जो है या तो फील हो गया। फिर भी रेफरेंस के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप पोर्ट्रेट के लिए या 3D के लिए आप कोई अगर डिजाइन बना रहे हैं तो मेरे हिसाब से पहले आप उसकी आउटलाइनिंग बना लीजिए, स्टेंसिल जो हम बनाते हैं फोटोशॉप में वैसे बनाकर फिर उसका प्रिंट निकालिए, बहुत ही बेटर रिजल्ट है। लाइनिंग के लिए बहुत बेटर रिजल्ट है, अगर आप किसी का भी स्टेंसिल बना रहे हैं, किसी भी टैटू स्टेंसिल बना रहे हैं, तो लाइनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है ये प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, थोड़े डॉट्स नजर आते हैं, लेकिन इसमें जो है डॉट्स बिल्कुल नहीं है, इसमें बिल्कुल क्रिस्पी लाइंस है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से बहुत बेस्ट रिजल्ट है इसका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। लेकिन एक फायदा दिखता है कि थोड़ा थोड़ा उसमें शेड भी नजर आता है, क्योंकि वो डॉट्स में बनाता है तो कहीं कहीं जो शेडिंग जो पार्ट है उसको भी वो डॉट में क्रिएट कर देता है। लेकिन इसमें जो है ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो है सीधा वो ब्लैक शेडिंग को जो है वो सीधा ब्लैक में कन्वर्ट कर दे रहा है, ग्रे स्केल में, किसी तरह का कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। लेकिन टैटू के लिए बहुत अच्छा थर्मल प्रिंटर है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा और काम करने में बहुत मजा आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको ये डेमो कैसा लगा मुझे जो बताएगा। और अगर आपको ये प्रिंटर चाहिए तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देखकर उसको परचेज कर लीजिएगा। धन्यवाद।